नमस्कार दोस्तों, आज मैं पम्पकिन यानी कद्दू के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। कद्दू की सब्जियाँ तो बहुतों बार आपने खाई होंगी, क्या आपने हलवा बनाकर कभी खाया है? अगर नहीं खाया है तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg कद्दू लिया है और ये हरा कद्दू यानी कच्चा कद्दू है। अंदर से ये हल्का सा पीला है, लेकिन जब ये पक जाता है तो बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो ये हमारा कच्चा कद्दू है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और ये जो बीच में बीज वाला पार्ट्स है इसे भी हम हटा देंगे। दोस्तों, आपने गाजर का हलवा बनाकर जाड़े में बहुत खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस कद्दू के हलवे को बनाकर देखिएगा। इस गाजर के हलवे को भी ये बिल्कुल फेल कर देने वाला है। इस हलवे का टेस्ट बिल्कुल मिठाई की तरह आएगा और इसे मैं बिना खोया के बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कद्दू को काट लिया है, बीज वाले पार्ट्स भी हटा दिए हैं। अब इसके हम छिलके हटा लेंगे और छिलका भी थोड़ा सा सख्त होता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, छिल चुका है। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे और मैं यहाँ पर मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे कद्दू ग्रेट होकर तैयार हो गया है लच्छे में। चलिए अब हम इसे कुक करते हैं और मैं यहाँ पर बहुत ही कम घी में ये हलवा बनाकर तैयार करूँगी, सिर्फ 3 चम्मच घी में, और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए हम गैस पर एक पैन रख देंगे। इसमें मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और आप चाहे तो यहाँ पर घी को आप स्किप भी कर सकते हैं। हलवा बनने के बाद तैयार जब हो जाए तो आप लास्ट में घी ऐड करें, अगर आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं है तो। अब हम ग्रेट किया हुआ कद्दू इसमें डाल देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और दोस्तों, ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। इस हलवे को आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट हो गया है भूनते हुए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि कद्दू जल्दी से पक जाए। ये देखिए, हमारा कद्दू काफ़ी हद तक पक चुका है। मैं एक बार इसे बीच में चलाया भी था। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे क्योंकि हमें खोए जैसा फ्लेवर लाना है और मैं यहाँ पर ना खोया ऐड कर रही हूँ ना ही मिल्क पाउडर, तो मैं यहाँ पर फुल क्रीम दूध ऐड करूँगी। जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ें बनाएं, फुल क्रीम दूध ही ऐड करें। और मैंने यहाँ पर उसमें जो दूध में जो मलाई थी वो भी डाल दिया है, जिससे कि हलवा बिल्कुल घी, बहुत ज़्यादा घी वाला जो हलवा होता है उस तरह का बनकर तैयार होगा। ये मलाई से भी घी रिलीज होगा तो हलवा हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध ऐड किया था और इसे अब हम पकने देंगे। इसी तरह से खुले में बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया था ताकि ये जल्दी से पक जाए। और देखिए, दूध काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा तो हलवा जूसी जूसी सा हो जाएगा। लेकिन जब तक इसका जूस पूरी तरह से सूख न जाए, हलवा ड्राई न हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। अगर हल्का सा भी हलवा गीला रहेगा तो वो पानी पानी जैसा स्वाद देगा। ये देखिए, हलवा ड्राई हो चुका है। इसमें सिर्फ घी का मॉइस्चर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर किशमिश, थोड़े से काजू और बादाम को ऐड किया है और यहाँ पर 3 हरी इलायची को मैंने कूट कर लिया है, जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और एंड में जाएगा 1 चम्मच घी। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच घी में हलवा तैयार कर रही हूँ। जो मैंने मलाई को इसमें डाला था वो भी काफ़ी घी रिलीज कर दिया है और इसे मिक्स करके 1 मिनट और पकाएंगे, बस हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, आप इस हलवे को कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस हलवे को किसी व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं, फलाहारी हलवा। और आपको जब कभी मीठा खाने का मन हो तो इसे बनाकर खाएं। गाजर का हलवा तो हम सिर्फ विंटर में खाते हैं, लेकिन आप इसे कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।